आप देख रहे हैं SGN न्यूज़, की बात आपके साथ। कटिहार में मवेशी बेचकर बनाया शौचालय, जिद करो दुनिया बदलो। जी हाँ, कटिहार में एक बहू के जिद के सामने हार कर सास ससुर ने एक ऐसा मिसाल पेश किया जो खुले में शौच मुक्त समाज निर्माण के लिए एक नयाब उदाहरण हो सकता है। सास ससुर ने बैल बेचकर बहू के लिए शौचालय निर्माण कर एक नयाब उदाहरण पेश किया है। रियल लाइफ में टॉयलेट एक प्रेम कथा पर अक्षय कुमार ने खूब तारीफ बटोरे हैं, मगर कटिहार में रियल लाइफ की इस कहानी की रियल नायिका बीबी जैतून खातून है, जिन्होंने अपनी जिद पर सास ससुर को शौचालय बनाने के लिए इस तरह से मजबूर किया कि सास ससुर ने अपनी बहू के जिद को पूरा करने के लिए गाय, बैल और बकरी बेचकर शौचालय बनाई। कहानी कटिहार जिला के फलका मुस्लिम बस्ती की है। मोहम्मद तबारक अपने इकलौता बेटा की शादी बड़े ही धूमधाम से बीबी जैतून से करवाया था, मगर शादी के चार दिन बाद ही बीबी जैतून खातून ससुराल में शौचालय नहीं होने के कारण मायके चली गई, और जब तक शौचालय नहीं बनती है तब तक वह ससुराल आने से मना कर दिया। अब अंत तक ससुराल वाले अपने बहू की जिद को पूरा करने के लिए एक जोड़ा बैल और बकरी बेचकर शौचालय निर्माण करवाया। शौचालय निर्माण के बाद बीबी खातून अब ससुराल में आकर रहने लगी है। वहीं गांव के स्थानीय प्रतिनिधि और इलाके के स्वच्छाग्रही मोहम्मद आसिफ बहू के इस कारनामे की वजह से घर में बनाए गए शौचालय निर्माण से काफी खुश दिखते हैं और कहते हैं कि समाज में महिलाओं को इस बहू से प्रेरणा लेने की जरूरत है, तभी समाज खुले में शौच से मुक्त हो सकेगा। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी रेखा देवी भी जैतून की इस जिद की सराहना करते हुए कहते हैं कि अगर घर की महिलाएं इसी तरह से शौचालय निर्माण के लिए जिद बना ले तो फलका प्रखंड को खुले में शौच मुक्त करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। वहीं इस दिशा में उपयुक्त प्रोत्साहन राशि भी जल्द ही इस परिवार को दी जाएगी। प्रधानमंत्री के खुले में शौच मुक्त समाज निर्माण के लिए बीबी जैतून की यह कहानी समाज को जागरूक करने के लिए एक नयाब उदाहरण है। ऐसे सोच से ही स्वच्छ समाज का नया सवेरा हो सकता है। और हम जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर ही शौचालय नहीं थे, तो हम यहाँ से गए मैके पर चले गए। जब सास ससुर को बोले शौचालय बनाने के लिए, जब वो चीत की तब वो अपना मैं बैल बेच के तब वो बात शौचालय बनाए, तो हम लोटा ले के बाहर जाते थे लेटरिन करने के लिए। अभी आपके यहाँ लेटरिन बना हुआ है? हाँ, बना हुआ है। अभी बना हुआ है, लेटरिन बने लिए कि हम लोग बेटा जब शादी कर लिया अनुसार के तब पुतो हम आनलिए। चार दिन रहले तेरे बाद लेटरिन बाहर जाब लगले, मैं गुस्सा मरले, बस लौटनी करी जे गेले घुड़ी के नहीं अल मायके रही गेले, तो हम आनल जाइए परेशान होले तो नहीं अल्ले कल के जब तक शौचालय नहीं होगा तो हम नहीं जाएंगे। तो ठीक है, हम कलिया जो ठीक है जो बनाएंगे तो आएगा ना, तो कल के हाँ। तब मैं मजबूरी में गरीब आदमी हम सब चीज़ हम माल जाल दो ठो बरत बेच के हम लेटरिन बना लिए, तब पुतो हमारा आया इबड़ी। ये बहुत बड़ी बात है और उसके बाद ये सबक लेने की बात है कि पुतों को बसाने के लिए ससुर ने बैल बेच करके शौचालय बनाया, फिर उसकी पुतो आई, एक चर्चा का विषय है। बहुत अच्छा पहल है और हम भी ये चाहेंगे कि स्वच्छता के तहत जो भी हैं, जो भी शौचालय नहीं बनाए हैं वो शौचालय बनाएं। बहुत बड़ी बात है, मैं इसके लिए उनको मैं ससुर को धन्यवाद देता हूँ। और ऐसी ही पुतोह हो, इस तरह का पुतोह हो जो ससुराल जाकर के पहला सवाल यही करे कि आप शौचालय अगर नहीं है तो आप बनाएं। 6 महीना तक जो ससुराल में रही और वहाँ इस के कारण थी, जब तक शौचालय नहीं होगा मेरे घर में तब तक मैं वापस ससुराल नहीं आऊँगी लौट के। अगर इसी ढंग का जज्बा हर औरत रहे उनको रहे तो फलका प्रखंड को जो है शौच क्या खुले में शौच से मुक्त होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। जो सरकार का ये है कि दिसंबर तक में जो है फलका प्रखंड को खुले में शौच से मुक्त कर लिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वसी नारी को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया। यही मैं फलका प्रखंड की हर एक
महिलाओं से ये निवेदन करती हूँ, कहती हूँ आप लोग के माध्यम से, हर एक नारी को कि यही सोच होनी चाहिए, जब तक नारी, हाँ जब तक नारी नहीं चाहेगी तब तक घर घर शौचालय नहीं बनेगा। आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ।